आइए आज अपने मिस्त्री भाइयों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस नए वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप मिस्त्री हो या हेल्पर हो या किसी प्रकार का मकान संबंधित काम सीखना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। और मकान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मकान का जीना होता है, या किसी बिल्डिंग का आपको जीना चढ़ाना है स्टेयर, तो आप किस तरीके से चढ़ाएंगे और उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके का जब आप रैंप बना लेंगे, इसका रैंप देखिए, पहले से इसकी नाप लेके रैंप जब ढाल लेंगे उसके आप ऊपर सीढ़ी स्टेप जो बनानी होती है वो कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हमने इसका रैंप ढाल लिया है, अब इसको हम स्टेप चढ़ाएंगे, वो भी ईंटों से, जैसे ये वाली ईंटें हैं इससे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी नाप ले लेना, जैसे हमने नाप ले ली है, जैसे जो पहले से स्टेप चढ़ी हुई हैं उसको चौकी जितनी आपकी रखनी है, ऊपर जो चौकी बीच में आती है उतनी आपको चौकी रखनी है। जैसे हमारा एक हिस्सा देखिए इस तरफ जो हिस्सा है उतनी, जितना नाप इधर के हिस्से होगी होगी ये वाली, आप उतनी रखेंगे। इसको आप नाप लेंगे, फिर उसी से हमने नाप लिया है इसका, जितना नाप है इसका उसी के हिसाब से आपको नाप रखनी है। देखिए ऐसे ये इस तरीके से ईंटा रखेंगे ऐसे, और इसको एक छोर ये वाला नाप लेंगे इसका, ये ऐसे 5 फुट 1 इंच है इसकी, और दूसरी तरफ जब रखेंगे तो आप दूसरा हिस्सा नाप लेंगे। देखिए और एक चीज़ बता दें कि जब रैंप ढाल लें उसके बाद में अगर आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं तो ऐसे ही चढ़ा लें, अगर आप नहीं चढ़ा पाते। देखिए सबसे आसान तरीका है इसका कि निशान आप लगा लें तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं कर, जिन्हें में होगा कभी भी मिस्टेक नहीं होगा कि एक दफ़े रफ अगर बन जाएगी तो उसी की रफ पे आपको चढ़ा देना है। ना स्टेप छोटी होगी, ना बड़ी होगी, ना कम होगी, ना ज़्यादा होगी, पूरी बराबर स्टेप चढ़ती जाएंगी। देखिए जितना हिस्सा ये वाला रखा है उतने ही आप ध्यान रख लेंगे। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपको नाप लेना। अब यहाँ से आपकी स्टेप की शुरुआत होगी ऐसे, अब आप इसी पर से इसी ईंट से साउंड करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे बराबर। देखिए आपकी अब नाप यहीं से लगेगी, देखिए इसको से डाल लेंगे तरीके से ऐसे सीधा कर लेंगे। तरीके से आपको सीधा कर लेना है। अब इसी पे ये पहले स्टेप की शुरुआत हो जाती है इसे। देखिए इस तरीके से ऐसे आप पहले स्टेप की शुरुआत करेंगे इसे, इस तरीके से आप पहला रद्दा लगा लिए। अब इसके आगे आप जो कुछ बजरी वजरी का भराव कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, आप इसके ऊपर आप दूसरे जब दूसरा रद्दा लगाएंगे तो आप इस तरफ साउंड कर लेंगे इस कोने से ऐसे, इधर से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से आप साउंड करते रहेंगे और इसका इस वाली ईंट का और इस वाली ईंट का लेबल कर लेंगे, तब इसके बाद में आप इसके ऊपर स्टेप बनाना शुरू करेंगे। देखिए आप इसके ऊपर ऐसे मसाला बिछा लेंगे पूरा, पूरी स्टेप का ऐसे, देखिए इस तरीके से आप पूरा मसाला बिछा लेंगे। इसके ऊपर आप सूता बांध लें,
से सूता बांधने, इसलिए कि आप जब ईंटा रखेंगे तो आपकी ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि स्टेप में जो ईंटा होती है ऊपर वाली वो सीधी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए अब इस तरीके से सूता आपका बन गया पूरा लेबल करके, अब इसके ऊपर आप चुनाई लगाना शुरू करेंगे, और चुनाई में सदैव ये वाला जोड़ होता है इसको काटते चलें इसे इस तरीके से इसे। जीना की ईंटा सदैव ठोक के रखें क्योंकि बाद में हिले ना ऐसे। इस तरीके से आपकी पहली स्टेप, देखिए इस तरीके से आपकी पहली स्टेप तैयार हो जाएगी। ईंटा जीना के जो ऊपर वाला रद्दा होता है उसको ठोक के बढ़िया रखें क्योंकि बाद में हिलने ना पाए, क्योंकि इस पे बराबर चढ़ना उतरना लगा रहता है, इसलिए बराबर आपको ईंटा रखनी। अब आपकी एक स्टेप तैयार हुई, ये जो बची वाली खांच है इसमें आप खंडे जो हैं इसे रख लेंगे। ऐसे आप रख लेंगे, अब ये आपकी पहली स्टेप तैयार हो गई। अब इसको सूता खोल लें और इसमें सीमेंट आराम से आप भर लेंगे इसे मसाला, अब आपकी एक स्टेप तैयार हो जाएगी इस तरीके से। देखो देखिए आप इस तरीके से पहली स्टेप तैयार कर लेंगे और इसमें इस तरीके से इसे मसाला खाँच खाँच के भर लेंगे इसे। देखिए इस तरीके से आपको कद्दी से खाँच खाँच के ज़्यादा इसे मसाला भरना है जिससे बीच में साँक ना रह जाए बिल्कुल भी, बिल्कुल कसा हुआ मसाला इसमें भरा होना चाहिए इसे, इससे आपकी पहली स्टेप ऐसे तैयार हो जाएगी। अब जब दूसरी स्टेप आप तैयार करेंगे तो आप इसी से नाप लेते रहेंगे बराबर, और दूसरी स्टेप ऐसे इसी तरीके से पहला रद्दा लगाएंगे पेड़ का, फिर ऊपर से ऐसे पट लगा देंगे, आपकी स्टेप ऐसे ही चलती बनती चली जाएगी। देखिए जब दूसरा आप हिस्सा ऐसे तैयार दूसरी स्टेप जब लगाए बनाएंगे तो आप इस तरीके से इसे नाप लगा लेंगे। इसे हमने एक कैड़ा बना लिया है इसका, देखिए ये कहाँ चला गया है, इसकी एक नाप हमने बना ली है, आप इसी नाप से ऐसे इसके आप उधर चुनाई लगाएंगे ऐसे इस तरीके से ऐसे। अब आप इसे से दूसरी स्टेप इस तरीके से तैयार करेंगे। अब वही तरीका रहेगा जो पहले था, देखिए इस तरीके से ऐसे स्टेप ऐसे रखेंगे और ये दोनों नाप हो गई आपकी इस तरीके से। अब आप इसी तरीके से अब ये स्टेप बनाई थी इसी तरीके से दूसरी बना लेंगे। देखिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।